नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। जून का महीना शुरू हो चुका है। जून का महीना, जैसा कि कंसिडर किया जाता है कि गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, होप आप लोग सभी लोग मज़े में होंगे। एक सप्ताह पिछली बार से निकल चुका है, सप्ताह अच्छा गुजरा। जैसा मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद करता हूँ, जो टाइम बीत जाए अच्छा है, सप्ताह अच्छा गया। आने वाला सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, शुभ रत्न है मोती, शुभ दक्ष दो मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा उत्तर पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह, ये सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। पारिवारिक समस्या के चलते आप थोड़ा सा अपने आप को तनाव से ग्रसित महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी इस किसी तरीके के विवाद के होने की संभावना है। यदि आप जॉब करते हैं तो सप्ताह आपके कैरियर के हिसाब से अनुकूल है, नई जॉब का ऑफर भी आ सकता है। धार्मिक व व्यावसायिक कार्यों के इस सप्ताह में आपके योग रहेंगे। समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। आप धार्मिक कार्यों में सक्रिय भूमिका इस सप्ताह में निभाएंगे। इस सप्ताह आपको प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने का बिल्कुल भी कोई ख्याल अपने दिमाग में नहीं रखना है। यह सप्ताह प्रॉपर्टी लेने या देने के हिसाब से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। सप्ताह छात्रों को अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। एकाग्रता बनाए रखना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको एकाग्र होकर कार्य करें। सेहत इस सप्ताह आपकी अच्छी रहेगी। सप्ताह अच्छा सप्ताह है, और सप्ताह को कैसे अच्छा बना सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। जैसा कि बताया कि आपको धुले हुए कपड़े पहनने हैं, हरे रंग से दूर रहना है, नदी में आप एक सिक्का डालें चांदी का, ये भी आपके लिए इस सप्ताह में शुभकारी होगा। आपको अपने बटुए के अंदर चांदी के चकोर आकार के टुकड़े अपने पास में रखने हैं, या फिर अलमीरा घर में जिसमें तिजोरी है उसमें आपको चांदी का टुकड़ा रखना आपके लिए शुभकारी रहेगा। जब भी संभव हो काली गाय को आप रेगुलरली फीड करें। घर से बाहर निकलने से पहले, इंपॉर्टेंट कार्य में जाने से पहले अपनी माता का आशीर्वाद लेके जाएं। चावल और चांदी का दान करना इस सप्ताह आपके लिए शुभकारी रहेगा। आपको किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है यदि आप इस वीक में करना चाहते हैं तो मटकी में पहले थोड़ा दूध भर के रख दें, ये भी आपके लिए शुभकारी होगा। उस कार्य को आपके अनुकूल बनाएगा और उसमें सफलता प्रदान कराएगा। आपको इस सप्ताह में यदि आप धार्मिक यात्रा पे या फिर मंदिरों के दर्शन करते हैं तो ये भी आपके लिए शुभकारी रहेगा। मैं महागुरु, आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए शुभकारी अच्छा साबित हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।